Hello everyone, so this is your host and your English ka dost Vineet Kapoor. Before you, how are you all? Jaisa ki aapko maloom hai ki we are doing a special spoken English course and we are on day 5 today. Okay, aur aaj se hum start karenge baqaida practice bolne ki. So that means agar main practice ki baat kar raha hoon to wo kaam aapka hai. Main aapko sawal dunga aur aapne uske jawab dene hain. Aur jawab kahan dene hain? Comment section mein. Okay, I'll give you assignments also and you will answer that to me in comment section. Okay, here we go. सबसे पहले हमारा नंबर नोट कर लीजिए जिससे हम स्टार्ट कर सके 96483 एंड 96483. ओके, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर. कॉलिंग इज नॉट अलाउड. ओके, यू विल जस्ट आस्क फॉर कोर्स डिटेल्स. अगर आपको चाहिए तो आप कोर्स की डिटेल मांगेंगे, या आपने अगर ग्रुप में ऐड होना है तो नाम, सिटी और जेंडर, ये तीनों लिखकर हमें देंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ जब भी आप बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की तो हम शुरुआत करते हैं खुद से. सो जब हम खुद से शुरुआत करते हैं तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. ओके या अच्छा, आपको एक चीज और बताते हैं कि ये कैसे पता करेंगे कि आप ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. तो शब्द से याद रखिए, शब्द से बनने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आमतौर पर नाउन होते हैं. तो ये नाउन है. ओके, ऐसे भी देख सकते हैं. बट आपको क्या मालूम है कि ये शब्द के अलावा एक और चीज से बना है, ये और फिर ये तीन वर्ड से मिलकर बना है. इंट्रो मीन्स इनसाइट, इंट्रो मीन्स इनसाइट. ओके, और इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि ये क्या होता है. ये तो हुआ इनसाइट. ओके, एंड देन वी हैव, ये बना है ड्यूसर से, और ड्यूसर का मतलब होता है लीड, और शन एक सफिक्स है जो कि नाउन बनाता है. ओके, तो इसका कोई काम नहीं हुआ, मतलब हम यहां से निकालते हैं. तो जब आप किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं, यू लीड हिम इनसाइड यू, दैट मींस यू टेल हिम अबाउट योरसेल्फ. ओके, अब इसको पूछने के और आंसर देने के क्या तरीके होते हैं मैं आज आपको बताऊंगा. ओके, हियर वी गो. तो याद रखिए कि जब आपने किसी से इंट्रोडक्शन के बारे में पूछना है तो आप पूछेंगे कैसे. इसके दो तरीके हो सकते हैं. नंबर वन, यू कैन से प्लीज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ओके, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, योरसेल्फ. मेरा सवाल आपसे यह है कि मुझे यहां पर योरसेल्फ लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, और ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. तो मेरा पहला असाइनमेंट है ये. ओके, असाइनमेंट नंबर वन आज का. इसका आंसर आपने यहां नहीं देना है, आपने आंसर कहां देना है? कॉमेंट सेक्शन में. यस, तो बताइए कि ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. ओके, और इसके साथ असाइनमेंट नंबर टू है ये. और असाइनमेंट नंबर टू क्या कहता है? ये कहता है कि ये बताइए मैंने ये योरसेल्फ क्यों लगाया, इसके बिना भी तो काम चल सकता था. अब देखिए दूसरा, एक और सवाल मैं पूछ सकता हूं. मैं कह सकता हूं आपसे कि क्वेश्चन नंबर टू, मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन. ओके, चलिए, मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन. अब ये तो मैंने क्योंकि आपको बता ही दिया था कि ये इंट्रोडक्शन जो है ये नाउन होता है, तो बताइए कि इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कौन सा है. ओके, इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कौन सा है मुझे आपने ये बताना है. तो असाइनमेंट वन, असाइनमेंट टू, असाइनमेंट थ्री, ये आपका हो गया असाइनमेंट थ्री. ओके, और ये आपने आंसर देना है कॉमेंट सेक्शन में. तो जब आप इंट्रोडक्शन मांगेंगे तो आप ऐसे मांग सकते हैं कि यहां पर इंट्रोड्यूस लगाया तो मैंने इसको ऐसे पूछा, और यहां पर ऐसे पूछा मैंने. आप सिंपल ये भी कह सकते हैं, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऐसे भी बोल सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन देने की. तो याद रखिए, इंट्रोडक्शन को आप दो तरह से देख सकते हैं. ओके, सो आई अगेन राइट हियर इंट्रोडक्शन. ठीक है, टू वेज. सो इंट्रोडक्शन कैन बी फॉर्मल एंड इंट्रोडक्शन कैन बी इनफॉर्मल. ओके, तो याद रखिए, जब मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता हूं तो मैं आपको बताता हूं अपने बारे में, यानी कि मेरा नाम क्या है. ओके, और मेरा प्रोफेशन क्या है. मैं आमतौर पर इसकी बात करता हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है. लेकिन जब मैं इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देता हूं तो याद रखिए, मैं और कुछ भी बता सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, मैं बता सकता हूं माई नेम, वेयर आई बिलोंग टू,
ओके एंड व्हाट इज माय प्रोफेशन, सो आई कैन टॉक अबाउट दीज थ्री थिंग्स। ओके, तो याद रखिए कि आप फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। एंड रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टाइल, वी हैव डिफरेंट स्टाइल हियर एंड वी हैव डिफरेंट स्टाइल हियर। ओके, सो जब आप अपने दोस्तों के साथ हो तो आप ऐसा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दें, बट वेन यू गो फॉर इंटरव्यू एंड ऑल दैट यू शुड बी वेरी वेरी फॉर्मल व्हाइल गिविंग इंट्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि देना कैसे है, एक्चुअल में आपने कैसे देना है इंट्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे पेड कोर्सेज हैं और हमारा एक पेड कोर्स जो है वो है इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल, 7 कोर्सेज का पूरा बंडल है, 3 महीने का कोर्स है। इसके बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं 9648396483 पर हमें कोर्स डिटेल लिखकर भेजिए और हम आपको बता देंगे ये क्या है। इसका लिंक आपको नजर आ रहा होगा, वहां से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। And then we have our advanced course. It is for the people who already talk in English, but they want to take their English to level next, so they can take that. Okay, I am available on most of the social media platforms. You follow me there because I give different content on different platforms. For example, मेरा podcast है, जिसको आप Spotify पर, iTunes पर सुन सकते हैं, Vinit with Vinit के नाम से। इसके अलावा Instagram पर मैं live जाता हूँ every Thursday at 9:30 PM. So do follow me on Instagram, Vinit with Vinit पर. Okay. चलिए इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं और हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो याद रखिए इंट्रोडक्शन देने के डिफरेंट तरीके हैं, तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले नाम से स्टार्ट करते हैं, सिंपल। मैं ये कह सकता हूं माय नेम इज। अच्छा, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद करते हैं अपने नाम बताने का। ओके, तो ये सिंपलेस्ट है, माय नेम इज डैश डैश डैश, जो भी आपका नाम है वो यहां पर लिखिए। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, Do you like this way, myself और आपका नाम? क्या आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं? So I would suggest कि आप इसको इस्तेमाल मत करिए इंटरव्यू में, तो बिल्कुल मत करिए। Now there are two reasons. The reason number one is grammatically अगर हम इसको देखें तो ये एक phrase है, sentence नहीं है, और phrases को हम informally ज्यादा बोलते हैं, formally नहीं, इसमें कोई verb नहीं है। The second thing is myself, जो कि एक reflexive pronoun होता है, आमतौर पर वो subject की जगह इस्तेमाल नहीं करते उसको, हम उसको object की जगह इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते हैं तो वो emphatic pronoun की तरह इस्तेमाल होता है। Subject में अगर हमने करना, subject तो तब होगा ही नहीं है, subject तो इसके आगे वाला होगा आपका नाम, और आप अपने आप को जोर देके कह रहे हैं, जैसे आप कहेंगे बंदे को ये कहते हैं, ऐसे थोड़ी ना देते हैं इंट्रोडक्शन, और फॉर्मली तो बिल्कुल नहीं। सो माई सजेशन टू यू वुड बी प्लीज अवॉइड दिस। यू कैन से माई नेम इज दिस, ओके, और यू कैन ऑल्सो से आई एम, ओके, सिंपल। और यू कैन से, अगर आपने बहुत फॉर्मल स्टेज पर हैं तो आप ये कह सकते हैं दिस इज डैश। तो याद रखिए इंट्रोडक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपको एक बात और बता देते हैं, अगर आपने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज रवि, दिस इज मोहन, दिस इज अंजलि। ओके, और यू कैन से मीट माय फ्रेंड अंजलि। अगर आपने किसी को इंट्रोड्यूस करना है तो आपको यह भी आना चाहिए कि मैंने खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है और दूसरे को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो माय नेम इज दिस, आई एम दिस, दिस इज दिस। ओके, कभी कभी आप का कोई और नाम होता है, आपका नाम बहुत, जैसे आपका नाम है मान लो शिव नारायण, सो दिस इज शिव नारायण, यू कैन कॉल मी शिव। ओके, नाउ दिस इज अनदर वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। So, आपको यह ध्यान रखना है कि आप कहां पर हैं। नाउ इनफॉर्मल आप कह सकते हैं लेकिन फॉर्मल इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं। सो आप उनको यह नहीं कहेंगे माय नेम इज शिव नारायण, यू कैन कॉल मी शिव, यह इनफॉर्मल है। ओके, बस इतनी सी बातों का ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि दूसरी जो बात होती है इंपॉर्टेंट, और वो होती है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। तो आपने बताया माय नेम इज रवि, अब आप बताइए आप कहां से हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज। तो पहला तरीका क्या है, I belong to, okay. So you can say I belong to this city. तो अपने शहर का नाम लिख दीजिए, okay. अगर आप किसी और कंट्री में हैं और वहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, तो याद रखिए वहां शहर का नाम नहीं बोला जाता, वहां कंट्री का नाम, I belong to India या I belong to New Delhi in India, ऐसे करके बात कर सकते हैं। So वहां पर आपको कंट्री बताना है, okay. So you'll always mind it कि आप क्या बता रहे हैं, okay. So, I belong to dash dash dash, यहां पर अपने शहर का नाम रखिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। Now,
एक गलती लोग अक्सर करते हैं, वो यहां पर एम लगा देते हैं, आई एम बिलोंग टू, क्योंकि एक हमारी धारणा ये बनी है कि जब भी आई आएगा तो एम आएगा. नाउ दिस इज रॉन्ग. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, एंड दिस इज योर असाइनमेंट नंबर फोर. असाइनमेंट नंबर फोर इज वाई एम इज रॉन्ग. असाइनमेंट नंबर फोर इज वाई एम इज रॉन्ग. लॉजिक, गिव मी द लॉजिक. तो मेरे कहने से थोड़ी ना बात हो जाएगी, आपको मालूम ही होना चाहिए कि ये क्यों है. तो मुझे आप ये बताइए कि यहां पर एम क्यों नहीं आएगा. ओके, तो इसी के आगे मैं चलता हूं और आपसे एक चीज और करता हूं मैं आपसे बात, और वो है ये. ओके, लेट मी इरेज दिस ऑल. असाइनमेंट आपने नोट कर ही लिया होगा. अब मैं चलता हूं आगे. नाउ अगर मुझे यहां पर, अगर मुझे यहां पर लगाना ही है तो मैं क्या मैं ये कर सकता हूं, आई एम हेल फ्रॉम, हेल फ्रॉम. ओके, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस भी गलत है. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर बताएंगे कि जैसे यहां पर एम नहीं आएगा, यहां पर भी एम नहीं आएगा. द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अक्सर लोग एक और गलती करते हैं कि बिलोंग के साथ वो फ्रॉम लगा देते हैं. बिलोंग के साथ फ्रॉम नहीं लगेगा. किसके साथ लगेगा? हेल के साथ. तो इंट्रोडक्शन देने में ये आप सब चीजों का ध्यान रखिए कि व्हेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ और समबडी, कि मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करूं. इन इंटरव्यू एक्चुअली दिस इज लाइक योर पावर प्ले. ये वो चीज है जिसमें आपको तैयार होकर जाना ही है. अगर आप यहां चौके छक्के नहीं मारेंगे तो कहां मारेंगे? ये तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए. या सो आई से आई हेल फ्रॉम दिस सिटी, मैं यहां से हूं. और अगर आपको एम से स्टार्ट करना ही है तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम. आप सही है, अब यहां पर एम आएगा. ओके, और यू कैन से आई एम अ नेटिव ऑफ. ओके, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दैट मींस कि आप डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यह बताने के लिए कि आप कहां से हैं. ओके, तो ये मैंने क्या किया, पहले अपना नाम बताया, फिर मैंने बताया कि आप कहां से हैं. और अब मैं चलता हूं नेक्स्ट लेवल की तरफ. इस सब को मैं हटा देता हूं, एंड देन आई टॉक अबाउट व्हाट डू आई डू, मेरा प्रोफेशन क्या है. नाउ ऐसा हो सकता है कि आपका भी कोई प्रोफेशन हो, यू आर अ स्टूडेंट. तो अगर आप स्टूडेंट है तो बताइए आप स्टूडेंट है. अगर आप टीचर है तो बताइए टीचर है. फिर आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आई टेल यू हाउ. ओके, तो एक एक करके लेकर चलते हैं उसको. सो फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं I am a student. Okay, और आप इसको avoid भी कर सकते हैं. I am a student, ये line avoid करके आप ये कह सकते हैं इसी की जगह पर I study in class 11th. Okay, so you can say this. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं. Now again the same thing. यहां पर M लगेगा, यहां पर M नहीं लगेगा. ओके, और आज मैं बार बार आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि यहां एम लगा यहां नहीं लगा. ओके, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा कल बताऊंगा, लेकिन यह आपका असाइनमेंट है और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे. ओके, तो आपने यह कहा कि आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन क्लास 11th. आप यह भी बता सकते हैं किस स्कूल में पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं. ठीक है, और यू कैन से आई एम परस्यूइंग. या और अगर आपको परस्यूइंग मुश्किल लगता है तो यू कैन से डूइंग. ठीक है, ग्रेजुएशन. ओके, इन साइंस. ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं. सिमिलरली इफ यू आर एन इंजीनियर सो यू कैन से आई एम डूइंग माय बीटेक, आई एम डूइंग बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू कैन से दैट. Or if you're doing some course, you can talk about course. The fact is actually, whatever you're doing, you need to say what you are engaged in. यदि आप क्या काम कर रहे हैं. Now, for example, आप student नहीं हैं, आप कुछ और हैं, मान लो आप professional हैं. So you can say, I work in a private company. Okay, I work in a private company. Okay, or you can say, आप अपनी post भी बता सकते हैं, job बता सकते हैं, like I am a regional
सेल्स मैनेजर. सो दिस इज योर पोस्ट. आई एम अ रीजनल सेल्स मैनेजर इन इन एक्स वाई जी. ओके, यहां पर कंपनी का नाम लिख दीजिएगा. ओके, तो यहां कंपनी लिखने की जरूरत नहीं है, बस कंपनी का नाम लिख दीजिएगा. ओके, यू कैन से आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश. ओके, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश. यू कैन से दिस. सो इंग्लिश टीचर की जगह टीचर ऑफ इंग्लिश कर दीजिए. आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश इन अ रैपिटेड स्कूल. ओके, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश इन अ रैपिटेड स्कूल ऑफ माई सिटी. ओके, जो भी आप कहना चाहें. सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड बी एबल टू से ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन अ वेरी स्मूथ मैनर. तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको करने की कोशिश करेंगे. सो नाउ माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, एंड प्लीज ट्राई टू स्पीक. So now, right now, I'll wait for your answer. I'm asking you, and you can be as detailed as possible. You, in fact, can explain it. Okay, further. So my question to all of you is, please give me your introduction. And write it, all of you, write it in the comment section. Explain it as much as possible. You can write 4, 5, 6 sentences about it. And try to speak it. Try to speak it. Try to make videos about it. Try to... do some kind of role playing with your friends. Make a group and say, please introduce yourself. Give me your introduction. May I know something about yourself? Tell me something about yourself. Different ways of asking questions. And this is how you can learn English. Okay, so I started from here, but tomorrow I'll take you to level next. अब इसी से हम आगे चलेंगे कल लेकर. लेकिन याद रखिए, हमारा फोन नंबर है 9648396483. ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग के लिए नहीं है. हमारे दो कोर्सेज हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं. एक है इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल और दूसरा है एडवांस्ड इंग्लिश लर्निंग सिस्टम. आप दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो परचेज कर सकते हैं. मैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हूं. आप मेरे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं विनित विद विनित पर, स्पॉटिफाई या iTunes या गूगल पॉडकास्ट पर जाकर. ओके, और इसके अलावा इंस्टा पर मैं लाइव जाता हूं एवरी थर्सडे एट 9:30 PM. चलिए, एक और वीडियो में कल आपसे मुलाकात होगी. भूलिएगा मत, ये पूरा का पूरा कोर्स आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. लेकिन आपके लिए जरूरी क्या है, आज मैंने आपसे 4 सवाल पूछे हैं, चारों के आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में. सो टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर.